नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 45वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच अबू धाबी के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला मुंबई इंडियंस ने किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 195 रन बोर्ड पर टांग दिया। एक समय ये लक्ष्य दूर नजर आ रहा था, लग रहा था टीम जैसे तैसे 150 से 160 तक पहुंच पाएगी, लेकिन अंतिम 5 ओवरों में हार्दिक पांड्या, सौरभ तिवारी ने ऐसी बल्लेबाजी की जैसी इस आईपीएल में देखी नहीं गई थी। जी हां, दोनों ने राजस्थान के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दी। सौरभ तिवारी ने 25 गेंदों पर 34 रन बनाए, वहीं हार्दिक पांड्या ने तो जैसे मैदान पर तूफान ला दिया था। उन्होंने अंकित राजपूत के 18वें ओवर में और वहीं कार्तिक त्यागी के आखिरी यानी 20वें ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और दोनों ही ओवर में 27-27 रन बटोर कर सभी को हैरान कर दिया। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 21 गेंदों पर 60 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 7 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान 285 का था। उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में सिर्फ 20 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया था। आपको बता दें, शुरुआती 8 गेंदों पर केवल 9 रन बनाए थे हार्दिक पांड्या ने, इसके बाद 12 गेंदों पर 52 रन कूट डाले। आपको बता दें, पारी का 18वां ओवर लेकर आए अंकित राजपूत के ओवर में उन्होंने 4 छक्के ठोके। वहीं पारी का 20वां ओवर लेकर आए कार्तिक त्यागी के तो ओवर में 3 छक्के और 2 चौके ठोक कर उन्होंने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए मुंबई इंडियंस के स्कोर को 195 तक पहुंचा दिया। आपको बता दें, अंकित राजपूत ने अपने 4 ओवर की गेंदबाजी में 60 रन लुटा दिए। इस दौरान उनकी इकोनॉमी 15 की रही। वहीं कार्तिक त्यागी ने भी 4 ओवर में 45 रन लुटाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ।